4% उस 25% में से आपके लिए ईयरमार्क है और महिला उद्यमियों के लिए भी कम से कम 3% तक की बाध्यता की गई है हमारे सारे PSU डिपार्टमेंट और विभागों के। और उसी एक्ट के जब हम लोग फॉलो करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं और हम लोग जब साल में असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे उन उपक्रमों द्वारा किस स्तर पर ट्रैक की जाती है और कहाँ तक उनका अचीवमेंट हुआ है। 30% मिनिमम सीमा रखी गई है, ऊपर में चाहे तो 100% या 100% की खरीदारी आपसे की जा सकती है। और यह जो एक्ट है यह पॉलिसी न सिर्फ साधारण टेंडरिंग पे बल्कि जेम पे भी इसको लिंक कर दिया गया है। CPP पोर्टल पे कहीं से भी अगर किसी पोर्टल से खरीदारी होती है, ई टेंडरिंग होती है, तो यह एक्ट एम्पावर करता है कि MSCs को, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को उसका निहित जितना शेयर है वो जरूर मिले। और आपके साथ यह भी जानते होंगे कि जब आपका प्राइस या आपका कोटेशन L1 अगर कोई नॉन MSCs है और उससे 15% आपने अधिक कोट कर दिया है तो आपका टेंडर रिजेक्ट नहीं जाता है, आपको निगोशिएट करके आपके साथ बातचीत की जाती है। और आप L1 पे आकर के अगर आपको अपने आप को सप्लाई करने के योग्य वहाँ पे साबित करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कम 25% का मार्केट शेयर आपको जरूर मिलता है, उस टेंडर में आपको पार्टिसिपेशन जरूर होता है। और सरकार हर वर्ष हर PSU के साथ, जितने CPSU हैं उनके साथ यह इंश्योर करती है कि उनका इस तरह के कार्यक्रम में भागीदारी हो। इस तरह से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे MSCs जो हैं अपनी भागीदारी हमारे PSU के साथ स्थापित करेंगे और उनके सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे। आमतौर पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारे MSCs का बहुत इसमें सकारात्मक सहयोग रह रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आते हैं उसमें 25% के बनिस्पत 30% से ज़्यादा की खरीदारी PSU द्वारा MSCs से की जाती है। और इतना ही नहीं, 358 आइटम को रिजर्व कर दिया गया है कि उसकी टेंडरिंग में कोई भी नॉन MSC पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको केवल MSC से ही पार्टिसिपेट करना है, MSC से प्रोक्योर करना है। और अगर MSC उसमें पार्टिसिपेट अगर नहीं करती है उस तरह के टेंडरिंग में या सप्लाई नहीं करती है तब जाकर के नॉन MSCs को वो शेयर मार्केट का जाता है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे MSCs के लिए है, हमारे SC/ST उद्यमियों के लिए है और हमारे महिला उद्यमियों के लिए है कि इस तरह के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। समय समय पर इसमें और भी बेहतरी किए गए हैं, पिछले 12-10 सालों में इस एक्ट को और प्रभावी बनाया गया है, जिसमें जो आपके एक्सपीरियंस का और टर्नओवर का क्राइटेरिया हटाने की बात कही गई है, जो स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिलता है, मीडियम एंटरप्राइज को मिलता है, वही सारे बेनिफिट आपको मिलता है। तो बहुत सारी सुविधाएं जो हम लोग आगे के तकनीकी सत्र में उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हम लोग जो जेम के लिए भी हम लोगों ने एक सेशन रखा है, जेम के अधिकारी यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और श्री अजय कुमार यहाँ पर आने वाले हैं। जेम का आज भी सेशन रहेगा और कल भी सेशन रहेगा। हम आपसे यह भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप जेम पे अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो जेम के अधिकारी पूरे दिन और आज और कल दोनों दिन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आप जेम के पोर्टल पर भी अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को एनलिस्ट करवा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका एक मार्केट शेयर में सरकारी खरीद में बहुत बड़ी हिस्सेदारी हो। आप लोगों के संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा मैं, जितने हमारे जमाने उद्यमी हैं, कि सरकारी कोई भी उपक्रम अब पहली प्रायोरिटी में जेम पोर्टल के माध्यम से होती है। छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा आइटम अब जेम पे उपलब्ध है। तो आप लोगों के लिए हमारे द्वारा यह भी एक अपील रहेगा कि जितने हमारे MSCs हैं अपने आप को अपना स्टेटस डिक्लेयर करते हुए कि आप माइक्रो हैं, स्मॉल हैं, आप किस कैटेगरी से, वुमन कैटेगरी में है या SC/ST कैटेगरी में, अपने आप को जरूर डिक्लेयर करें और जेम पोर्टल की जितनी खरीदारी हो रही है उसका जरूर आप लोग लाभ उठाएं।